हाय गाइस, मैं कारणराज रॉब देख करंट रिएक्शन। आज जो मैं ट्रेलर देखा गाइस वो है थलावी। जी हाँ, कंगना रनावत एंड अरविंद स्वामी। भाई क्या ट्रेलर है भाई, जैसे कि बोलते हैं ना बॉलीवुड में चार चांद लग जाता है, ऐसा ऐसा मूवी आने लगी ना भाई बॉलीवुड में चार तो क्या 15-20 चांद लग जाएगी। क्या ट्रेलर है, क्या डायलॉग थी कि परफेक्ट है, फाड़ दी यार सुपर। जैसे कि डायलॉग थी बवाल, इसमें एक डायलॉग थी। सबसे बड़ी गाइस, तो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जो तुम्हारे जो हर वीडियो अब तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात कि आज का मैम उनका बर्थडे, तो दिल से हैप्पी बर्थडे मैम आपको। जो ये मूवी आने वाली है ब्लॉकबस्टर हो जाए, इसमें डायलॉग थी कि अभी तो मैंने पंख फैलाया तो उड़ान अभी भरना बाकी। क्या डायलॉग, क्या सुपर यार, क्या इनको जो डायलॉग होती है कंगना मैम का भाई, डायलॉग फाड़ देती। क्या मतलब कैरेक्टर में पूरा घुस जाती है यार, मतलब एक्टिंग में पूरा घुस जाती है। क्या एक्टिंग करते हैं, फाड़ देने लगते हैं। लेकिन हालांकि थोड़ा बहुत है ट्विटर पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट देती है, तो थोड़ा सा लोग चिड़चिड़े पड़ने लगते लोगों को। इसको थोड़ा सा मैम कम करेंगे ना, आप आगे और बढ़ जाएंगे। सर आप बहुत अच्छा एक्टर हो, मुझे बहुत पसंद है आप। क्या आपका लुक है भाई, दिल को छू जाता है, बहुत अच्छा। तो भाई सबसे बड़ी बात कि इस मैडम को फिर से भाई स्कोर अवार्ड मिला है। एंड इनके तो चार चार भाई, इनको तो ऐसे भी चार बार चांद लग गया, चार बार स्कोर अवार्ड। स्कोर अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है यार। और सबसे बड़ी बात सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी भाई अच्छी छोड़े, उस मूवी के भी लिए स्कोर अवार्ड मिली है। और हमारे बीच में सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, कुछ थोड़ी दुख की बात है, खुशी की बात भी है क्योंकि स्कोर अवार्ड मिली है। चलिए गाइस, और सीधा बात करते हैं कंगना मैम की। इसमें डायलॉग बहुत डायलॉग है, लेकिन गाइस जो एक बार जो डायलॉग थी इसमें बोलते हैं, अगर तुम मुझे माँ समझोगे तो मैं तुझे दिल में जगह दूंगा, अगर मुझे सिर्फ औरत समझोगे। उसको उसके बाद तो ट्रेलर ही खत्म हो, उसके बाद तो फिल्म आने वाली क्या था पूरा डायलॉग तक पता चलेगा। फिर सब लोग भाई डर से झुक जाता, क्या मतलब शुरू में बोलता है कि ये मुझे फिल्म में हीरोइन समझाएगी क्या, कि राजनीति में क्या होता है। वो फाड़ है, क्या डायलॉग थी। मतलब शुरू में बस देखा इंटरव्यू दिखाया, उनकी आंखों से इंटरव्यू होती है और असम यार, पूरे पतले दुबले रहते हैं। उसके बाद उनके जो अरे भाई भारी सवाल उनको थप्पड़ मारते हैं ऊपर से, उनका साड़ी घिसने लगे खो, मतलब पूरा कि वो एकदम बेइज्जती कर लेते हैं भाई। और बोलते हैं उसके बाद कहना नाराबाद की महाभारत का दूसरा नाम है जया, इस फिल्म में उनका नाम होने वाली जया। क्या थ्रिलर थी बवाल भाई ये फिल्म भाई, एकदम देखने लायक, राजनीति जैसा लग रहा है भाई। राजनीति में जो मूवी थी भाई वैसा मूवी लग रही है भाई होने वाली है, एकदम फाड़ है। और हालांकि 13 अप्रैल की मूवी आने वाली है। तो भाई अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जो हर वीडियो तक पहुँचिए। ये आपको रिव्यू कैसे लगी भाई, जगह ट्रेलर जगह देखो कैसे लगी भाई, तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस भाई को कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए भाई कि आपको ट्रेलर कैसे लगी, अच्छी थी बुरी थी, आप मेरे रिव्यू कैसे लगी भाई। तो प्लीज़ भाई इस भाई को सपोर्ट करें। आज पहली बार किसी ट्रेलर के रिव्यू कर रहा हूँ, और शाम को भाई मैं रिएक्शन भी दूंगा इस ट्रेलर पे, क्योंकि ये ट्रेलर बहुत सुपर है यार, बहुत अच्छी लगी। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कंगना मैम के लिए भाई जोरदार ताली, उसको 400 ऑस्कर अवार्ड मिला है एंड बहुत खुशी की बात है। एंड भाई इस भाई चैनल, और जितना कंगना मैम का फैन है भाई, तो प्लीज़ भाई इस भाई को सपोर्ट कर दो, भाई बहन जो भी हो सपोर्ट कर दो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।